भाजपा युवा मोर्चा के आह्वान पर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं ने डॉक्टर सुकुण मिश्रा के नेतृत्व में मुख्य बाजार में जुलूस निकाला और मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला जलाया। भाजपा नेता आज टाउन हॉल बाजार पर एकत्रित हुए और यहां से जुलूस के रूप में किला चौक पर पहुंचे। कमलनाथ सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए और हाथ ठेला पर बाइक प्रदर्शन करते हुए किला चौक पर जमकर नारेबाजी की। यहां करीब आधा घंटे तक भाजपा नेताओं और भारी संख्या में मौजूद पुलिस बल के बीच लुका छुपी का खेल चला। पुलिस को चकमा देने के लिए भाजपा नेताओं ने गुलजार शाह की मजार के पास पुतला दहन करना चाहा, लेकिन वहां भी पुलिस बल पहुंच गया और काफी देर तक चले संघर्ष के बाद अंततः भाजपा नेताओं ने पुतला फूंक ही दिया और पुलिसकर्मी जो कि पुतला दहन करने से रोकने आए थे वह भी देखते रह गए। इस विरोध प्रदर्शन में पूर्व विक्रम बुंदेला, कर्ण मिश्रा, भूरे चौधरी, कुमकुम रावत, सनत पुजारी, जौली शुक्ला, रिंकू बुंदेला, महिपाल बुंदेला आदि मौजूद रहे। कमलनाथ जी सरकार में आए हैं, एक भी काम उन्होंने जनता को राहत देने का किया ही नहीं है। सरकारी खजाने पर अगर बोझ है तो मंत्रियों के बंगले क्यों बन रहे हैं? कमलनाथ जी ने अपने बंगले पर करोड़ों क्यों खर्च कर दिए? इनकी यात्राएं विदेशों में क्यों चल रही हैं? ये सारे मंत्री और सारे विधायक खजाना लूटने में लगे हैं। और जब बारी आई मंदसौर नीमच की, तब आपने तालाब के डैम नहीं खोले, बांध के, और आज जब राहत देने के लिए आप जनता का खजाना फिर खाली करने लगे। ये खजाना आपका नहीं है, ये हमारी मेहनत का, हमारी गाड़ी कमाई है। ऊपर से आपने त्रस्त जनता, जहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, 5% डीजल और पेट्रोल पर वृद्धि कर दी। आज से 2-3 दिन पहले भी हमने धरना प्रदर्शन करके ये कहा था कि कमलनाथ जी नींद से जाग जाइए, अभी भी समय है। लेकिन अगर आज भी अगर आप नहीं जाएंगे तो दो चीज़ें हमने प्रतीकात्मक रूप से की हैं। एक, हमने ठेले पर मोटरसाइकिल निकाली है। दूसरा, हमने कमलनाथ सरकार जी का पुतला जलाया है, उनको ये याद दिलाने के लिए, उनको नींद से जगाने के लिए कि अगर आप यहाँ पर भी नहीं रुके तो ये आंदोलन केवल दतिया तक नहीं रुकेगा, ये दतिया से निकलकर पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले तक होते हुए भोपाल पहुँचेगा और जनता इसमें पूरी तरह से हमारा साथ देगी। कितना बोझ पड़ेगा जो वृद्धि की गई है डीजल और पेट्रोल में प्रदेश की जनता के ऊपर?